चार ओवरों में गेम खत्म हो जाएगी, बस मेरी आंख पे गेंद ना बचे। अल्लाह खैर करे। ये आंख सही होगी है, हर बार ही तेरे ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन नजर तेरी रेगुलर रूटीन की बात करें ना, रेगुलर रूटीन की बात करें, उस्मान भाई बहुत अच्छे बैट्समैन है। अच्छा ही, लेकिन जिस दिन कप्तान ये ऐलान कर दें कि उस्मान भाई के आउट होने के बाद नवाज की बैटिंग है, एक या दो बल्ला दी मार है भाई, ले जी काले बादल आगे नहीं बिगड़ते। देख बाद भाई अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ मैं, मुझे तो लग रहा है जैसे कि आसिफ अली ग्राउंड में आ गए हैं, बहुत अच्छी बैटिंग, और अफगानिस्तान के साथ मैच है, चार छक्के चाहिए हैं, चार बॉल पे लगा दिए आपने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। है कि पहले मैच में हम हार गए थे, हो गई थी मोए 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 मोए, दूसरा मैच है, बॉलिंग कर रहे हैं, इस दफा बॉलिंग अच्छी की है, बैकअप किया है लड़कों ने, 81 का टारगेट है, आप ओपनर जा रहे हैं, आपको बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह जी चार ओवरों में गेम खत्म हो जाएगी, बस मेरी आंख पे गेंद ना बचे। वो बैठा हुआ पहले मैच में आखिर पे बॉल खाकर, भाई चेक करते हैं आप, नहीं बचत हो गया, काम मुख्य हो गया, बचत हो गई है, आंख काफी बेहतर हो चुकी है। जी तो दोस्तों 81 रन का टारगेट, अरफान और चले गए हैं उस्मान बैटिंग पर, पहली बॉल वाइड बॉल, मनी भाई की अच्छी कीपिंग, ओ खैरा एक रन हो चुका है बिना किसी बॉल के, तो पहली बॉल अब आएगी, ऑफिशियल वाइड बॉल हो सकती थी लेकिन खेल दिया है सिंगल के लिए, चार रन, बहुत खूबसूरत चार रन, मिस फील्ड हुई है और चार रन हासिल हो गए हैं, और ये दूसरी बॉल करवाएंगे बॉलर, पांच रन हो चुके हैं और ये खेल दिया है स्क्वेयर लेग फाइन लेग, पता नहीं किधर किधर से किधर होकर किधर जा रही है, और दो रन हासिल कर लिए हैं, और बॉल रोकने, वेरी गुड, सात रन दो बॉल्स, पुरम चकवाल तीसरी बॉल, अरफान सरवर, देखना होगा क्या करते हैं इरफान भाई, ऐसे होता ही नहीं मारे, हाँ चार रन कैप शॉट, अगली बॉल और ये नो बॉल, नहीं वाइड बॉल या नो बॉल दे दी अंपायर ने, ओके रन हो चुके हैं मेरा ख्याल है 10, अगली बॉल करवाएंगे बॉलर, 10 रन हासिल कर चुके हैं पर इरफान, नो बॉल पर दो या तीन या चार, दो फील्डर वहां पर मौजूद हैं और दो रन हासिल कर लिए, तीन रन आ गए हैं नो बॉल पर, रन हो गए टोटल 13 रन हो चुके हैं, और ये अगली बॉल और बोल्ड कर दिया, कोई बात नहीं फ्री हिट थी, खैर कोई रोला नहीं, कोई टेंशन नहीं, इरफान सरवार एक दफा आउट हो चुके हैं लेकिन वो माना नहीं जाएगा क्योंकि फ्री हिट थी, अब दूसरी दफा आउट होंगे, और ये वाइड बॉल, 14 रन हो गए हैं, अच्छी क्रिकेट देखने को नहीं मिल रही क्योंकि छक्के चौके नहीं लग रहे, दो चौके लग चुके हैं बहरहाल, 14 रन हो चुके हैं, अब देखना होगा इसके बाद सूरत हाल कौन सा रुख इख्तियार करती है, अब्दुल रहमान बॉलर हैं, लेफ्ट हैंडेड बॉलर, सामने है इरफान सरवर, नो बॉल दे दी है अंपायर ने, और ये चार रन भी हो चुके हैं और नो बॉल भी हो चुकी है, पांच रन आ गए हैं फिर से इस बॉल पर, और ये पुड़ोल फिर गया है, पुड़ोल फिर गया है, अरे पुड़ोल फिर गया है, 19 और 6 25 रन हो गए हैं एक ओवर में, आउट हो जाते हैं, मैं भी वही कहने लगा था आपको, अल्लाह खैर करे। उस्मान भाई बहुत अरसे बाद बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं, 25 की 26 किथे बैटिंग थे, हाँ दूसरे मैच मेरा ओपनिंग घूमता है, उस्मान भाई दे मैं चलो वन डाउन चला जाऊंगा यार, तेरे जाने का फायदा कोई नहीं,
नुकसान जी कोई नहीं। अहमद आ चुके हैं नए बॉलर और उस्मान भाई करेंगे बैटिंग और पहली बॉल पर बोल्ड। उस्मान भाई आजो 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 उस्मान भाई। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਇੰਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਮੈਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ नहीं हूं तुम खेलो भी पहली बाल देखी है अगर आप देखना चाहे लंगड़ा आउट होने लगा है ओए बच गया है लंगड़ा बहुत दूसरी बार ये लंगड़ियाल भाई बोल्ड हो जाएंगे मुझे लगता तो है यार इन्हें तो चुप करा यार आ दे चुप करो ए चलो ये छक्का आ रहा है इस गेम से आउट हो ये भाई आउट नहीं होंगे छक्का आएगा वहां से कैच होगा अरमान कैच हो गया ये बहुत जबरदस्त किस्म का कैच है ये ओहो वो फील्डर हमारे साथ नहीं है चार रन इरफान भाई को मैंने बोला था वो आउट हो जाएंगे लेकिन इसके बावजूद वो जनाब उनको कैच ड्रॉप हो गया इरफान भाई आपका कैच ड्रॉप हो गया क्या कहना चाहते हैं ये कौन आपको बोल्ड करवा रहा है उस्मान ले जी अब आपने पीर साहब की शान में गुस्ताखी कर दी आप विकेट पे ज्यादा असर ही देंगे भाई आ गया। यार कोई गल नहीं ये ले कैच आगे तो पीर दे बारे कुछ ना कभी मेरा भाई इन्हें पीर दी शान च गुस्ताखी की तेन कहा सी ना पुत्र तू वड्डे बोल बैठा पीर नहीं हैगा पीर ही हैगा मैं कहा सी ना तू वड्डे बोल बैठा माफी मांग ला तू कह नहीं की कहा सी उस्मान ते वेख्या धमाका होया कौन आ बैठ गई ये आंख सही हो गई है यार वारी मेरे ज्यादती कर रहे मेरा लेकिन नजर तेरी फिर भी गंदी है मियां उमर साहब चल 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 ले जी मियां उमर साहब बैटिंग पे आ गए हालात ये कि ये भी मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं वो बोल्ड कर दिया ये मैंने पहले कहा था चल इधर बाड़े नवाज भाई बाद में वीडियो चेक कर सकते हैं आप हम नवाज भाई के पास जाएंगे आप भजन बाद में वीडियो चेक कर सकते हैं मैंने कहा मुझे ये भी जाते हुए नजर आ रहे हैं बोल्ड होंगे नवाज भाई इनका क्या करना भाई मोए मोए जो तेरे वाली गल हो गई है जो भाई जो भाई असली मैं कह भी छक्का हैगा अली ने क्या होगा नहीं भाई वो असल में मैंने मोहम्मद यूसुफ वाली शॉट खेली थी गैप में वो एज हो गया तो यूनुस खान वाली विकेट आउट हो गई मेरा यूनुस खान आउट होता ही नहीं ऐसे तो नहीं रूटीन की बात करें ना रेगुलर रूटीन की बात करें उस्मान भाई बहुत अच्छे बैट्समैन है अच्छा ही लेकिन जिस दिन कप्तान ये ऐलान कर दें कि उस्मान भाई के आउट होने के बाद नवाज की बैटिंग है एक या दो बल्ला दी मार है भाई ले जी काले बादल आ गए नहीं विकेट पे देखते हैं रात क्या होते हैं विकेट किधर जाती है खालिद भाई मैच विन करवा के आते हैं तो जी मेरी तरफ से उनको ₹50 निशान में गुस्ताखी की मैंने उससे कहा कि अब आप बोल्ड हैं
उसी बाल पे वो बोल्ड हुए किला पाट के। तू भी पहली बाल तो उठो है, पैर ने पूछी मैं की किया। आपने कह दिया, लेकिन आपने शान की गुस्ताखी की ना, गुस्ताखी की शान की। ये ले जी, एक और लॉस, ये तारा बन गया, ये तारा टूटा, ये छोड़ दिया क्या। ये जी काले बादल आन पड़े हैं, तो अपना गुस्सा फूंक रहे हैं। जब मैंने आपको कहा था मेरी बात सुने आमिर भाई, जब मैंने इनको कह दिया कि आप आउट हो जाएंगे, कहते जी उस्मान और मैं और की कप्तान, तू अगले उन्हें कुछ कहते ही नहीं है। ले जी नवाज भाई आ गए हैं। मियां 11 जैसी टीम हिस्ट्री में आज तक पैदा नहीं हुई होगी। पहले ओवर में 25 हाँ जी, दूसरे ओवर में 4 आउट है। चलो जी आजे नवाज भाई, इसी ना लो मैच विन करना है। आधा स्कोर हो गया, आधा रह गया। नवाज भाई तासरत ये कि आप इसी बॉल पे बोल्ड हो जाएंगे, बाकी देखिए क्या बनता है आपका जी। वो बाउंसर जहां तक तासरत मुझे नजर आते जनाब, अलम भाई का कैच होने लगा, कैच बच गया। डबल होगी जी। ये जी सेम हमारे पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट वाला हाल है जी। हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे पर्थ की विकेट पे खेल रहे हैं। जैसे कि इरफान भाई आप बताएं, आपने क्या जुमला बोला था जिसकी वजह से बोल्ड हो गए? अपनी जगह तो लिया ही नहीं की। मुझे अभी तक आपकी समझ नहीं आया, मैंने कहा था आप किसको बता रहे हैं? उस्मान है, उस्मान सेल। यार निकल जा खालिद निकल जा, नवाज भाई निकल जाओ, नवाज भाई निकल जाओ, पीछे के पीछे आओ। क्रिकेट हिस्ट्री को खराब कर रहे हैं जी आप। ओए अमर बैठ लग यार, कम से कम यस नो करया करो, देख लिया करो। 3 बंदे सी लेकिन तुसी देखो गेंद इधर नु आ गई उंदे कोल। की होया ओ तेनु कही अंदर ना भज ना भाई, तू भज जा। नवाज भाई सर से टोपी उतारे हैं, थोड़ी सी हवा लगे और कोई क्रिकेट का मजा आए। हां जी अब शाबा नवाज भाई, इसी नाले गेम खराब हो जानी है यार भाई। कैच करें बस एक मिनट वो पहले उधर कैच हो, जड़ा उधर कैच हो लगा, वो देखो ना पहले नो बॉल ओ थल्ले पिच ते बजी नो बॉल इधर ते आ इधर आ। क्या कह रहे हैं खालिद भाई, आंख सही है हुन? चलो यार जो तेरा दिल करदा कर लो। ये शॉट नवाज भाई, मुझे लगता है नवाज भाई का ये आखिरी छक्का था और जिंदगी का पहला छक्का है ये। लो जी लॉग इन कर दिया इस चीज का हमने। ओ जिन्ना खिंच के ले आ रहे हैं ना, सिर्फ तुम खिलाए हो तो शॉट यार, अखीर कर दिया। ओ चौथा कर दिया, चौथा मार दिया नवाज भाई। अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ मैं, मुझे तो लग रहा है जैसे कि आसिफ अली ग्राउंड में आ गए हैं और अफगानिस्तान के साथ मैच है। 4 छक्के चाहिए हैं, 4 बॉल पे लगा दिए आपने। नवाज भाई बाउंड्री खींचना है, बाउंड्री बनाना है इसे। अरफान भाई आपने पीर साहब की शर्मा को साखी की थी, क्या लफ्ज बोले थे आप? पीर पेल। नवाज भाई का बल्ला आग उगलता हुआ, ये देखिए ब्रिटिश स्टाइल में 6। क्या बात है जी, क्या बात है। आमिर भाई को जफा डालने में दिल कर रहा है। इधर कैमरे में तू परा हो यार, परा हो यार। पीर पे ये की बला भाई यार, गल पता की है, इन्हें को पूछो इन्होंने की क्या सीखा। इधर आ जलील हो गया उस्ताद। किना रह गया, चौदह रह गया।
आमर भाई आपने भी लफ्ज बोले हैं, आप भी आउट होंगे और कैच का इशारा हो गया मुझे कि कैच होगा आपका। भाईजान मैं बोल रहा हूँ कैच आउट होंगे आप। अगर कैच आउट हो गया तो पीर पेल कैंसिल हो जाएगा। लो भाईजान पीर पेल बरकरार है यार। आप बताओ ना आउट कराइए तो गल होगी, इस तरह केड़ी गल होगी। नवाज भाई आउट हो जाओ। ये कैच वापस आइए, वापस आइए। ये जो आपने कहा ना कैप उतारे सिर नू वाल अगे उस बाद छक्के बजने शुरू हुए। आप यकीन करें वो आपके अंकल सही हुई थी। ओ क्या अरफान भाई आपने लफ्ज बोले थे नवाज भाई दोबारा रिपीट नहीं नहीं आप बताएं ना आपके साथ हुई क्या, सही बताएं। नवाज भाई की बारी आ गई जनाब, ये सिक्स लगा दिया। मियां उमर साहब आप इनसे पूछें कि मैं इनके पास गया हूँ तो मैंने इनसे एक बात कही कि भाईजान आप आउट होते, इन्होंने क्या बोला था? पीर पेल नहीं नहीं लफ्ज बोले पीर पीर नहीं नहीं बोला था उस्मान बोला उस्मान पीर पेल। भाई जान इन्होंने गुस्ताखी की थी, बाबे ने फूक मारी, मैं कहा हूं तेरी खत्म। बाबे ने नवाज भाई भी लोए लोए जी। कुरम भाई नवाज भाई मैं मैच तो आया हूँ आप। नहीं भाई जान अभी तो मैच हारने वाला है। बराबर कुरम साहब खुरम चकवाल नहीं खुरम उकाड़ा। ये शॉट बहुत आला बहुत आला। बस वीडियो चुको पीर पेल ये रोदा की भाई पीर पेल। भाईजान एक मिनट अभी ये खुरम चकवाल को कैप्चर करके फिर वापस आते हैं। एक मिनट ये शॉट ये सिंगल भी नहीं निकल गया चौका। रोका रे मत नवाज भाई मैं इस भाई के पास गया, मैंने कहा जी आप इस बाल पे बोल्ड है। अच्छा जी मैंने कहा जी एग्री है, कहता उस्मान बगैर तू हूं गुस्साखी की तू इससे बात ना बोल्ड में गल है। वीडियो चेक कर लेना भाई उन्होंने किला तोड़ के तुसी भी आउट हो जैसे गल ते जड़ी पीर पिल के आवे पीर पिल दा रोला ही नहीं गा जनाब मान के ने बाबा है फूका वाला बाबा है। छक्का मार दे अपन पिल च सिर नहीं सी गेंद तसल्ली दे रहे ने सिर तसल्ली जिदा अमर देन लगा ना प्रयाम नु एदा कहंदा तेरी है। अच्छा अच्छा डबल कर गया कोई नहीं आगा कोई नहीं आगा यार। ए फौजी ओ फौजी मैच हारना ही नहीं मैच हार देना इधर देर कथा करके। हाँ जी पीर साहब इधर आओ दसो मैच जीतांगे कि नहीं जीतांगे। मैच हारोगे तुसी मैच हारांगे हारोगे ते जे मैच जीत गए ते पेल च जाएगी बाल बेल च बाल जाएगी नहीं पेल च जाएगा सारा कुछ। सनसनी खेल में दाखिल हो गया ये जनाब हार गए ते ए पीर च जीत गए इनदी पेल च जाएगी बाल यार। मैच तुसी हार गए जे मैच मैच हार गए जे तुसी ए मैं तुहानू दस देवां जे बाबा इत्थे क्रॉस मार के चला तुसी ना तबाही रथे तुहाडी ते गल होई। आमर भाई आप इस चीज को गौर से देख ले क्रॉस का मतलब क्या है ये आप मैच खत्म होने के बाद देखेंगे आप जो मर्जी कर लो दम चढ़ गया देखिए क्या करता है। अच्छा दोनों में डर गए आमर भाई जो मर्जी कर ले ये सिंगल से भी नहीं होगा और भाई जान छक्का लगाने के बाद भी आप नहीं जीत सकेंगे। लो जी की बोल रहा है बॉल मारा ये चौका कर दिया तालियां क्या बात है और तालियां और तालियां की टीम तैयार होते हुए मुझे पल्ले पास और ये क्या फील्डर ही वहां पर मौजूद है छह रन जीत गए। मोए मोए होते होते बचे तो ही है विन कर गया बिल आखिर दूसरी टीम के साथ मोए मोए हो गई है बिल आखिर जी मैच जीत चुकी है मियां 11 को बहुत बहुत मुबारक हो
अब लगने लगा है मेरा ख्याल है नाश्ता अमन नाश्ता लगेगा।